आया है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत बड़ा विषय है और इसे एक दिन में नहीं समझा जा सकता। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन जब मेरे को बुधवार मीटिंग मिली थी, उसमें मैंने प्रारंभिक बातों को आप लोगों के सामने रखा था कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। अब हम आज प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की कुछ गहराई में जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा। आप सबसे पहले मैं ये बात रखूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और दो भागों में आएंगे, जिसे दो फेज कहा जाता है, दो भागों में। पहले भाग में प्रभु यीशु मसीह चोरों की नहीं आएंगे और आ करके अपने उन हरेक लोगों को जो तैयार है उनको अपने साथ लेकर के जाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों उसका पांचवां अध्याय, उसका पांचवां अध्याय और उसका दो और तीन पद में आप लोगों के सामने पढ़ दूंगा। देखिए बाइबल क्या कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों पांच अध्याय उसका दो और तीन। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जबकि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। अभी सबको लगता है कि सब अच्छा है, सब भला चंगा है, एकदम रिलैक्स शांत भरी जिंदगी जी रहे हैं, पर एकाएक प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा। अब एक सोनार की दुकान है तो सोनार नहीं जानता कि चोर मेरे दुकान में कब चोरी करेगा। उसी प्रकार से अभी सबको लग रहा है कि अरे प्रभु यीशु मसीह नहीं आए हैं, अभी आएंगे भी नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ऑल ऑफ सडन आएंगे, एकदम अचानक से आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब मेरे आने का दिन है मैं खुद नहीं जानता, वो सिर्फ पिता जानते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हरेक लोगों से कहा कि तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना कि परीक्षा में ना पड़ो। अब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो आ करके अपने लोगों को कैसे ले जाएंगे जो तैयार है, पर प्रभु यीशु मसीह हरेक लोग को नहीं ले जाएंगे, जो तैयार है वे लोग को ही ले जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से आना और अपने लोगों को लेकर के जाना, ये बिल्कुल क्षण मात्र का समय होगा। पलक झपकते ही प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ले जाएंगे। आइए आप इसे भी मेरे साथ देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 52 पद में आप लोगों के सामने पढ़ दूंगा। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो एकाएक प्रभु यीशु मसीह का आना और पलक झपकते ही अपने लोगों को लेकर के जाना। अब ध्यान दीजिए, अगर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले अगर मेरी शारीरिक मृत्यु हो जाती है, अगर मैं शारीरिक रूप पर मैं मर जाता हूँ, तो मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह के आने के समय मेरा पुनरुत्थान होगा, मैं प्रभु यीशु मसीह में उठाऊंगा और मेरा ये जो शरीर है ये अविनाशी शरीर हो जाएगा, इमॉर्टल देह हो जाएगा जो कभी नाश ना हो। पर अगर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक अगर मैं जीवित रहूंगा तो मेरी यही शरीर मेरा प्रभु यीशु मसीह की ग्लोरियस बॉडी में बदल जाएगा। मतलब कि मैं दिखूंगा इसी, रहूंगा इसी, पर ये मेरे शरीर में ना दर्द होगा ना बीमारी होगी, मैं दौड़ूंगा तो थकूंगा नहीं, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वर्ग के राज्य में मांस और रोग प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हमको स्वर्ग के राज्य प्रवेश करना है तो शारीरिक मृत्यु एक द्वार है। अगर शारीरिक मृत्यु हमारी नहीं हुई है तो हमारी बॉडी जो है फिजिकल बॉडी, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय बदल जाएगी। ये है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का पहला भाग कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो चोरों की नहीं आएंगे सबसे पहले। फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का जो दूसरा भाग है वो है कि प्रभु यीशु मसीह अपने उन लोगों को जो पहले भाग में तैयार उनको लेकर के गए हैं, उन लोगों को लेकर के वापिस इस संसार में आएंगे यहोवा पिता के राज्य को स्थापित करने के लिए। आप मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 16 और 17 पद में आप लोगों के सामने पढ़ दूंगा। देखिए बाइबल क्या कहती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का
शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग के लिए जा रहे थे, मतलब प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तब उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम लोगों के लिए घर तैयार करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब द्वितीय आगमन में आएंगे तो इस संसार में परमेश्वर यहोवा पिता का राज्य स्थापित होगा, जिस राज्य का प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी किया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। ये वही राज्य है जो प्रभु यीशु मसीह आकर के इस संसार में स्थापित करेंगे। तो हमको तैयारी किस चीज की करनी है? पहले भाग के लिए, क्योंकि हम नहीं जान रहे कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। और एक बार जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद हम सबको लेकर के इस संसार में आएंगे कि परमेश्वर का राज्य इस संसार में स्थापित हो और हम युगानुयुग अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हर एक बात को पहले से जानते, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल। और हमारी ये जो बाइबल है जो हम हाथ में रखे हैं, ये एक ऐसा परमेश्वर का वचन है जो एक साथ भूतकाल को भी बताता है, वर्तमान को भी बताता है, भविष्य को भी बताता है कि आने वाले समय में क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले हमारे आज के इस समय को नूह के जमाने से कंपेयर किया, बोला कि जैसे नूह का जमाना था वैसे आज का जमाना भी है। इसे भी देख लीजिए, मत्ती 24 अध्याय। मत्ती 24 अध्याय और उसका 37 पद मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगा। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और उसका आप 38, 39, 40 पूरा पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जैसे नूह के समय में लोग विवाह करते थे, एंजॉय करते थे, दाग मधु पीते थे, और सबसे बड़ी उस समय के लोगों की जो बात थी कि उस समय के लोग पाप करते थे, मन नहीं फिराते थे, क्षमा नहीं मांगते थे और परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। ये उस समय के लोगों की बहुत खराब बात थी। आज का जमाना अगर हम देखें 21वीं सदी, आज के समय में भी विवाह हो रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज प्रभु के भय से लोग हट रहे हैं और आज संसारिकता में लोग लिप्त हो गए हैं। नूह के जमाने में भी हर एक लोगों ने देखा कि नूह जहाज तैयार कर रहे हैं। हो सकता है पूछे भी होंगे कि काहे बना रहे हैं, बादल तो नहीं दिख रहा। आज के जमाने में भी आप सब चर्च आ रहे हैं, हर संडे आ रहे हैं, हम सब चर्च आ रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, अपने कानों से सुन रहे हैं और उसमें हरकत नहीं हो रही और लग रहा है कि अरे सब ठीक है, नॉर्मल है। और जिस प्रकार एकाएक जल फैलाया गया, 8 लोग सिर्फ तैयार थे, 8 लोग, वो 8 लोग बचे, पूरा संसार के हर एक लोग नाश हो गए पहले मौके में। और आज भी मौका है, आज प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, हम सबके पास चांस है, पूरे संसार के पास चांस है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जैसे नूह के जमाने में थे आज भी वैसी है। प्रभु यीशु मसीह के बताने का मतलब, बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस समय भी लोग टिठाई वाला जीवन जीते थे और आज के लोग भी टिठाई वाला जीवन जी रहे हैं। उस समय भी लोग संसारिकता में जीवन जी रहे थे, आज के लोग भी संसारिकता में जीवन जी रहे हैं। उस समय यहोवा पिता की आज्ञा को लोग नहीं मानते थे, आज भी लोग आज्ञा नहीं मानते हैं। हर एक चीज आप पूरे संसार के सामने में ये बात है और संसार इसको कबूल नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस बात को। ये है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का दूसरा भाग। अब हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं 10 कुंवारी की। 10 कुंवारी की कहानी में 5 बुद्धिमान रहती है, 5 मूर्ख रहती है और जो दूल्हा रहता है वो प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। आप इफिसियों में पढ़ेंगे तो परमेश्वर की कलीसिया को यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है। जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो जो 5 बुद्धिमान कुमारियां रहती हैं वो तैयार रहती हैं, पर जो 5 मूर्ख रहती हैं वो संसारिकता में भटक जाती है, वो तेल लेने चले जाती है और मतलब संसार में खो जाती है। और दूल्हा जब आता है प्रभु यीशु मसीह तो ये नहीं बोलते कि जाओ उनको बुला के ले आओ, जो तैयार रहते हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं। ये नहीं बोलते कि अरे उनको भी बुला लो, लोग भी तो तैयार थे, ये नहीं बोलते। और जब द्वार बंद होता है और जब बाकी 5 द्वार को खटखटाती है तो द्वार नहीं खुलता। और आज हम बचपन से इस 5 कुमारी की 10 कुमारियों की कहानी को सुनते आ रहे हैं और ये स्पष्ट है कि जैसे दूल्हा आएगा और जो तैयार है उनको ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आएंगे नहीं बोलेंगे अरे फलाना को भी बुला लो, उसको भी बुला लो, वो तो तैयार थे, नहीं,
जिसको रेडी पाएंगे अपना बैग बस्ता लेकर के तुरंत प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले जाएंगे। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला कि तुम तैयार रहना? प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला तैयार रहना क्योंकि जब तक हमारी तैयारी नहीं रहेगी एकाएक हम कहीं जा नहीं सकते। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो जैसे अभी हम क्रिसमस सेलिब्रेट किए, क्रिसमस मनाए, 29 तारीख को महिलाओं की पिकनिक की, आप सब गए, हम सब गए। महिलाओं की पिकनिक में क्या ऐसा हुआ कि एकाएक गाड़ी आकर के खड़ी हुई, गाड़ी बैठ करके हम चले गए? ऐसे नहीं हुआ। 4 दिन पहले से एक लिस्ट तैयार हुआ, कौन कौन जाएगा उसका नाम लिखा गया, पैसा उसमें लिया गया, फिर उसमें लहसुन प्याज लाया गया, फिर उसको छिलाया गया, फिर गाड़ी बुक कराई गई, मतलब पहले से तैयारी की गई, फिर गाड़ी आई, फिर गाड़ी में बैठ करके सब गए। और अभी अगर मैं बोलूं कि चर्च के बाद चलिए एक मंडली की पिकनिक, तो प्रायः 100% लोग एग्री नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं खुद नहीं जान रहा कि मैं कब आऊंगा, वो सिर्फ पिता जानते हैं। और एकाएक पिता मुझे बोलेंगे कि जाओ लेकर के आओ, तो मैं आ जाऊंगा, और अगर तुमको तैयार नहीं पाया तो मैं छोड़ दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह हम सबसे चाहते हैं कि वो हम सबको लेकर के जाए। अब जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के आने तक उन्होंने हम सबको बोला है कि तुम ये करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि क्या करना, तो आइए उसे देख लीजिए, निकाल लीजिए, लूका 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय उसका 12 और 13 पद में आप लोगों के लिए पढ़ लूंगा। देखिए बाइबल क्या कहती है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राज पद पाकर लौटे। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। यहां पर जो धनी मनुष्य है वो प्रभु यीशु मसीह है, दूर देश जो है वो स्वर्गीय राज्य है, और राजपद जो है वो प्रभु यीशु मसीह को मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ मुहरें दी है, हम सबको बहुत अलग अलग प्रकार की मुहरें मिली है। मुहर का मतलब होता है तोड़े, टैलेंट्स। सबके पास अलग अलग गुण है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बजा सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है, कोई बिजली बना सकता है, सबके पास अलग अलग तोड़े हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन मुहरों से लेन देन करना। लेन देन करने का मतलब है कि इन मुहरों से परमेश्वर की राज्य की बढ़ती और उनके नाम की महिमा के लिए इस राज्य को, इस मुहर को उपयोग करना। उदाहरण के लिए कोई अच्छा बिजली बनाता है और उसको बोले कि चर्च की बिजली खराब है, इसको बना दो, वो आकर के बना दिया, तो जो उसका मुहर है वो परमेश्वर के राज्य के लिए और उनके नाम की महिमा के लिए काम आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बोला कि जब तक महाराज को पा गए प्रभु यीशु मसीह, और वो कभी भी आएंगे, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने, जब तक मैं आ रहा हूं, तुम संसारिकता में ना भटक करके तुम अपनी मुहर को जो मैं तुम्हें दिया उससे लेन देन करना। तो ये प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, और आगमन से पहले हमको जो कार्य करना है ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। अब देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आएंगे तो क्या करेंगे? अब पहले देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पहले आगमन में क्या किए। पहले आगमन में जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो परमेश्वर के मेमना बनकर के आए। पापी मैं हूं, पाप मैंने किया, न्याय मेरा होना था, नरकी सजा, नरकी मौत मुझको मिलनी थी। प्रभु यीशु मसीह पाप परमेश्वर के मेमना बन करके आए, मेरे पाप को उन्होंने अपने ऊपर लिया, जो मेरा न्याय होना था वो प्रभु यीशु मसीह का न्याय हुआ, और जो नरकी सजा, नरकी मौत मुझको मिलनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाई। प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं किए, परंतु वे पापी कहलाए मेरे कारण। मैं अपनी जिंदगी में धर्म का कोई काम नहीं किया, पर मैं धर्मी कहलाया प्रभु यीशु मसीह के कारण। यह था प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, जब पहले आए, दया किए, अनुग्रह किए, प्रेम किए, क्षमा किए। और जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे, कोई दया नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई रहम, कोई अनुग्रह नहीं। आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह नंगी तलवार लेकर के अपने दूतों के साथ और उनकी जान और श्वेत वस्त्र पर लिखा हुआ है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मोटे अक्षर में लिखा हुआ, प्रकाशित वाक्य 19 में आप देखिएगा उसे। पर अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब द्वितीय आगमन में आएंगे तो वो दिन कैसा होगा। निकालिए मेरे साथ सपन्या नबी की पुस्तक, हबक्कूक के बाद सपन्या, उसका पहला अध्याय,
सपन्या हबक्कूक के बाद सपन्या नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15 पद में आप लोगों के सामने पढ़ दूंगा। देखिए यहां जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे तो क्या होगा, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से सभी चला आता है, यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है, वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधकार और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। ये है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे किसी पर दया किसी पर अनुग्रह नहीं करेंगे। जितने रिबेलियस लोग हैं, जो रिबेलियस शब्द है ये इसका मतलब होता है गद्दार, ये शब्द लूसीफर के लिए उपयोग में आया है गद्दार। तो जितने परमेश्वर यहोवा पिता की आज्ञा को नहीं मानते, यहोवा पिता की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, और खास करके अनरिपेंटेंट सिनर्स, अनरिपेंट मतलब पापी हम सब है, पूरा संसार पाप है, रोमियो 3:3 क्योंकि सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है, पर जो अपने पापों का अंगीकार नहीं करते और पश्चाताप नहीं करते उसे कहते हैं अनरिपेंटेंट सिनर्स। उन अनरिपेंटेंट सिनर्स का न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता हर एक बातों को पहले से जानते हैं। देखिए ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा शारीरिक देह है, ये फिजिकल बॉडी है, ये पाप का बना हुआ है। इस शरीर में नाना प्रकार के पाप भरे विचार आते हैं, पाप भरे सोच विचार आते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, और मेरी ये जो आत्मा है जिस शरीर में रहती है, इस शरीर की अभिलाषा को पूरी करने के लिए मैं जानबूझ करके भी पाप करता हूँ और मुझसे अनजाने में भी पाप होता है। क्यों? क्योंकि मैं ये जो मेरी बॉडी है, फिजिकल शरीर है, ये शरीर पाप का बना हुआ है। और ये बात को यहोवा पिता आदम को बनाने से पहले जानते थे कि हर एक मनुष्य का ये जो देह है ये पाप है और उनसे पाप होगा। इसीलिए यहोवा पिता ने प्रभु भोज की पवित्र प्यारी की स्थापना की कि हर एक लोग अपने आप को छोटा करें, दीन करें और अपने पापों को अंगीकार करें, पश्चाताप करें। और यहोवा ने एक में लिखा है कि यहोवा पिता क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो क्या आप अपने पापों को मानते हैं, कॉन्फेस करते हैं? ये जो फिजिकल पाप मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम इसे मानेंगे तो यहोवा पिता क्षमा करेंगे। तो ये जो है, ये अनरिपेंटेंट सिनर जो शब्द आया है, ये हम सब के लिए है क्योंकि हम सब ने पाप किया। तो अगर हम अपने पाप को पश्चाताप कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तो यहोवा पिता हमें अवश्य क्षमा करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा विषय से अगर हट करके बात करूं प्रभु भोज के ऊपर, हम सब चर्च आते हैं, क्यों आते हैं? हम सब एक आत्मिक खुराक पाने के लिए चर्च आते हैं। प्रभु भोज की प्यारी एक इतनी पवित्र प्यारी है कि उसमें यीशु मसीह का लहू जो इतना पवित्र है, आप YouTube में देखिएगा कि ब्रेड कैसे बनता है, ब्रेड जो हम खाते हैं कैसे बनता है, बार्ली वीट उसको लेकर के मसला जाता है, उसको रौंदा जाता है, क्रश किया जाता है, तब जाकर के ब्रेड बनता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह को पूरा क्रश करा दिया, मसलवा दिया, क्यों? कि हमारे पापों की क्षमा मिले। मैं थोड़ा सा विषय से इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि प्रभु भोज पादरी दादा के द्वारा घर पहुंच सेवा भी दी जाती है, घर घर जाके दिया जाता है। तो फिर आप क्यों चर्च आते हैं? चर्च आते हैं हम आत्मिक भोजन पाने के लिए, आत्मिक खुराक। अगर आप एक दवाई खाते हैं किसी चीज का, जब आप बीमार है तो डॉक्टर क्या बोलता है? खाने के बाद खाना, खाना नहीं खाओगे दवाई काम नहीं करेगी। तो जब तक आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा प्रभु भोज इफेक्ट में नहीं आएगा, इसलिए हम चर्च आते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं विषय से हट करके बोल रहा हूँ। अब विषय में हम वापिस आते हैं कि जब प्रभु का दिन आएगा और जब प्रभु यीशु मसीह उन हरेक लोगों का न्याय करेंगे जो यहोवा पिता के विरुद्ध चलते हैं, तो जितने लोग जो यहोवा पिता का भय मानते हैं उनका क्या होगा? जो यहोवा पिता से प्रेम करते हैं, यहोवा पिता का भय मानते हैं, धर्म को खोजते हैं, प्रेम से रहते हैं, उन सब का क्या होगा? उस दिन न्याय के दिन परमेश्वर यहोवा पिता उन सब लोगों पर अपना आशीष का हाथ बढ़ाएंगे और वे सब लोग उस परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। देखिए बाइबल क्या कहती है, निकालिए सपन्या नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, सपन्या नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 2 और 3 पद में आप लोगों के लिए पढ़ लूंगा। ध्यान दीजिए बाइबल क्या कहती है। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव के दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सर्व नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों,
उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। देखिए दूसरे अध्याय में आप ध्यान दिए होंगे, और बचाव का दिन उसी के समान निकले। पहले जमाने में क्या था, जब यहोवा पिता का समय था, लोग पाप करते थे और पाप बलि का मेढ़ा चढ़ाते थे और अपने पाप का पश्चाताप करते थे, और यहोवा पिता क्षमा करते थे, और अगर जो क्षमा नहीं मांगता था यहोवा पिता तुरंत उसे नाश कर देते थे, मार देते थे। आज प्रभु यीशु मसीह खुद अनुग्रह बन करके हर एक लोगों के ऊपर आ गए हैं। आज संसार में लोग पाप कर रहे हैं, पाप का पश्चाताप नहीं कर रहे, फिर भी उनको सजा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आज अनुग्रह है, और यही है बचाव का दिन। क्योंकि लोग पाप कर रहे, क्षमा नहीं मांग रहे, तब भी उनको कुछ सजा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि बचाव का दिन, और यही बचाव का दिन उसी के समान निकल रहा है, और बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आकर के उन हर एक लोगों का न्याय करेंगे जो यहोवा पिता की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो होगा वो एक ऐसा अद्भुत दिन होगा कि उस दिन को हम सोच नहीं सकते। अभी हमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे आएंगे, पर वो एक इतना अद्भुत दिन होगा, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी, और हर एक जो कठोर हृदय के हैं, जो अपने आप को बहुत भारी तोपचंद समझते हैं, वे सब दुख के मारे चिल्लाएंगे, क्योंकि प्रभु का दिन है। वो एक अद्भुत दिन होगा, वो न्याय का दिन होगा, वो है प्रभु यीशु मसीह का दिन। अब हम कैसे जाने कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, ये बात को यीशु मसीह भी नहीं जानते, सिर्फ यहोवा पिता जानते हैं। पर एक अप्रोक्सीमेटली टाइम, जो संभावित समय जो मैंने अपने अध्ययन में पाया, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, ये सात अध्याय का जो निचोड़ मैंने अपने अध्ययन में पाया वो कुछ इस प्रकार से है। उसमें सात मुहर के बारे में बताया गया है, सात मुहर बताया गया है कि इन सात मुहरों के बाद यीशु मसीह का आना होगा। पहली मुहर जो है आज हमारे समय में खोल दी गई है। पहली मुहर है झूठे भविष्यवक्ता। झूठे भविष्यवक्ता ऑलरेडी संसार में आ चुके हैं, जो हर एक लोगों को भरमा रहे हैं और प्रभु के मार्ग पर से हटा रहे हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता की खासियत क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये झूठे जितने भविष्यवक्ता है, ये आज संसार के हर एक लोगों की खासियत को जान रहे हैं कि आज संसार का एक एक व्यक्ति संसारिकता में इतना व्यस्त है कि उसे बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं कुछ भी झूठी बात बोल दूं, झूठी भविष्यवाणी कर दूं, या उनके लिए छोटी सी प्रार्थना करूं, ये मानेंगे ही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से दूर है, उनको मानना पड़ेगा, और लोग इस बात को स्वीकारते हैं, मानते हैं, और परमेश्वर के मार्ग पर से भटक जा रहे हैं। आप अपनी आंख से देख रहे हैं, ये पहली मुहर है जब झूठे भविष्यवक्ता आ चुके हैं। दूसरी मुहर जब खोली जाएगी तब आएगा युद्ध, वार। जब आप देखेंगे कि संसार में युद्ध हो रहा है, आज संसार का 197 देश, हर एक देश के पास एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, सबमरीन है, एयरक्राफ्ट युद्ध के लिए तैयार है, भारत के पास खुद है। जैसी दूसरी मुहर खुलेगी प्रकाशित वाक्य की, युद्ध आरंभ हो जाएगा, और जब युद्ध आरंभ होगा तब आप जान लेना कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य के अनुसार दूसरी मुहर खोल दी गई है। जब तीसरी मुहर खोली जाएगी तब आएगा अकाल। अकाल एक ऐसा अकाल कि जब लोग खाने के लिए तरसेंगे, पानी के लिए तरसेंगे, एक एक दाना के लिए मोहताज होंगे, और आज लोग फिक करके खा रहे हैं, फिक करके पानी पी रहे हैं, पर आने वाला है दिन, प्रकाशित वाक्य का दिन, जब तीसरी मुहर खुलेगी तब एक ऐसा भयंकर अकाल होगा कि लोग तरसेंगे खाने के लिए और भूख मरी होगी। फिर खुलेगी चौथी मुहर। चौथी मुहर जब खुलेगी तब आएगी महामारी। महामारी मतलब कि फैलने वाली बीमारी, जैसे कि हैजा जिसे डायरिया भी कहते हैं, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरक्यूलोसिस और नाना प्रकार की फैलने वाली बीमारी आप लोग को पता होगा, जो एक दूसरे से फैलते जाएगी, इसको लगी, मेरे को लगी, उसको लगी, उसको लगी, ऐसे करके वो फैलती जाएगी, ये है महामारी। फिर आए जब पांचवी मुहर खुलेगी तब आएगा भयानक काल, जिसको इंग्लिश में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है, महासंकट का काल। वो एक ऐसा समय होगा कि लोग हाय हाय करेंगे, तड़पेंगे, पीड़ा के मारे रोएंगे, चिल्लाएंगे, मृत्यु मांगेंगे, मृत्यु नहीं मिलेगी। वो है महासंकट का काल जब पांचवी मुहर खुलेगी। फिर खुलेगी छठवीं मुहर। जब छठवीं मुहर खुलेगी तब दिखेगा स्वर्गीय चिन्ह, स्वर्ग से नाना प्रकार के चिन्ह दिखेंगे, स्वर्गीय चिन्ह। और फिर उसके बाद जब सातवीं मुहर खुलेगी तो वो है सात
तुरही की महामारी, सात तुरही की महामारी जिसके अंदर सात बातें हैं। सात तुरही की महामारी जो है उसके अंदर सात बातें और है, जिसमें से पहली चार महामारी, एक दो तीन चार, जिसमें पृथ्वी, समुद्र, पेड़ और नदी, पृथ्वी, समुद्र, पेड़ और नदी, ये चारों का सत्यानाश हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। फिर सात तुरही की महामारी में जब जो पांचवी महामारी आएगी उसमें होगा पहला शोक, और फिर उसके बाद छठवीं महामारी में होगा दूसरा शोक, और सातवीं महामारी में होगा तीसरा शोक, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। ये एक प्रकाशित वाक्य 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 का जो निचोड़ मैंने अपने अध्ययन में पाया कि ये होगा, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे। अभी आप ध्यान दीजिए, हम पहली मुहर हमारे समय में खोल दी गई है, झूठे भविष्यवक्ता आ रहे, झूठे झूठे आश्चर्यकर्म कर रहे हैं और नाना प्रकार के लोगों को फरमा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग से लोगों को हटा रहे हैं। अब देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो ये सब जितने लोग हैं जो झूठे लोगों को फरमा रहे हैं, डिसीवर, शैतान जान रहे हैं कि मेरा न्याय होगा और न्याय के दिन में मैं जलती हुई आग में डाला जाऊंगा, तो वो चाह रहे हैं कि मैं क्यों अकेले जाऊं, वो सबको लेकर के जाऊं, तो जो परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं उन सब लोगों को परमेश्वर पिता की मार्ग पर से हटा करके अपने साथ नर्क ले जाना चाहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये बाइबल जो है इसका आप महत्व को समझिए, बाइबल का इंपॉर्टेंस को समझिए कि बाइबल क्या चीज है। देखिए, मैं एक सिंपल साधारण लड़का हूँ, ना मैं जादू कर सकता, ना आश्चर्यकर्म कर सकता, ना मैं चंगाई कर सकता, मैं सिर्फ परमेश्वर के राज्य का मैसेंजर हूँ और वो मैसेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर एक सिचुएशन को, हर एक बातों को पहले से जानते हैं, और आज प्रेजेंट के जितने सेवा कार्य, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, जितने प्रेजेंट सेवा कार्य हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो भेड़ों की रखवाली करने आते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, ये ना तो मालिक है, ये ना तो चरवाहे हैं, ये मजदूर हैं, भेड़ियों को देख करके, भेड़ों को छोड़ करके भाग जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आज आप हरेक लोग बैठे हैं यहाँ, आप लोगों के मन में क्या विचार है, क्या सोच विचार है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं कि यहाँ बैठे एक एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है आज अभी इसी वक्त। आप लोग ध्यान दीजिए, नूह के जमाने में उनके पास, पूरे संसार के पास पहला मौका था, 8 लोगों ने सिर्फ उस अवसर को बहुमूल्य समझा, उस अवसर को महत्वपूर्ण समझा और प्रभु के भय को माना। 8 लोगों ने, 8 लोग को छोड़कर के पहले मौके ने पूरा संसार नाश हो गया। दूसरा मौका 10 कुमारियों में, वो 5 कुमारियों के पास अवसर था, भूतकाल, पास्ट टेंस, उनके पास अवसर था, वो दूल्हा के साथ जा सकती थी और वे संतारिकता में जाना ज्यादा पसंद करी, भटक गई और द्वार बंद हो गया। आज मैं आपसे कहता हूं, संसार के पास, हम सब के पास तीसरा और अंतिम चांस, बिल्कुल हम छोर पर हैं। आप अवसर को बिल्कुल देखिए, एकाएक प्रभु यीशु मसीह का आना होगा और पलक झपकते ही अपने लोगों को जो तैयार है वो ले जाएंगे। हम बिल्कुल छोर पर है, इस अवसर को आप बहुमूल्य समझिए। आप देख रहे हैं हर एक चीज आपके सामने में है, निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपके सामने में है। आज अभी इसी वक्त अगर आप अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर कर देंगे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, जीरो कर देंगे, संसारिकता में कुछ नहीं रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये संसारिक सुख, संसारिक धन, संसारिक इंजॉयमेंट, संसारिक खुशी जो है एक क्षण मात्र की है, ऐसे होते ही ये सारी खुशी, ये सारा चीज दुख में बदल जाएगा जब ये मुहर खुली जाएगी तब। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको अनंत जीवन की खुशी दूंगा। आज संसार भटक गया, संसारिकता में संसार के लोग भटक गए हैं, प्रभु यीशु मसीह से मुंह फेर लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, तुम मेरे ऊपर निर्भर हो, तुम मेरे पास आओ। पर लोग प्रभु यीशु मसीह के पास ना जाना छोड़ करके संसारिकता में भटक जाते हैं, क्यों नहीं पता, क्योंकि संसारिक सुख ज्यादा मोह लाता है। जैसे कि एलिया जो था, एक छोटा सा उदाहरण, एलिया जो था, जब उसको रानी जो थी उसको मारने के लिए दौड़ा रही थी, वो एलिया भूल गया कि उस यहोवा पिता ने जो गीली लकड़ी में आग लाए, आग को गिराए, स्वर्ग से आग बरसाए, जो प्रार्थना करने से जल को बरसाए, वो एलिया, वो परमेश्वर पिता, इनविजिबल यहोवा पिता को भूल गया एक विजिबल को देख करके, मतलब एक पुरुष को देख करके वो उस जीवते परमेश्वर पिता को भूल गया, डर गया। आज ऐसी है,
कि हम संसार को देखते हैं और संसार को देखकर खुश हो जाते हैं, अरे वाह इतनी अच्छी चीज है, इतना अच्छा मोबाइल है, इतना अच्छा टीवी है और संसार इतना मिली, पर उस जीवते यीशु मसीह को जिसे हम देखे नहीं है पर वो हमारे साथ है, हमारे साथ जगत के अंत तक है, हम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। संसार के लोग आज ऐसी ढिठाई पूर्वक हो गए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जब मैं आऊंगा तो मैं तुमको लेकर के जाऊंगा उस घर में जो मैं तुम्हारे लिए तैयार किया हूं, हमारे लिए परमानेंट पर्सनल एक घर तैयार किए प्रभु यीशु मसीह, कि हम सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। पर आज संसार संसारिक खुशी को ज्यादा महत्व देता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब हम क्या करें, अभी बैठे बैठे आप लोगों के भूतों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि नहीं आज से हम ऐसा करेंगे, आज से हम बाइबल प्रार्थना करेंगे, आज से कई लोग अपने मन में डिसीजन ले रहे होंगे कि हाँ अरे बिल्कुल अब बाहर जाके करना ही है। पर देखिएगा बाहर जाएंगे तुरंत आपका मन बदल जाएगा, तुरंत संसारिकता में लीन, संसारिक ही बकबक, संसारिक एंजॉयमेंट, संसारिक दोस्ती आ रही पूरा वही हो जाएगा। पर अभी आप लोगों का मन कुछ और कह रहा है, अभी आपको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। अभी इसी वक्त बैठे बैठे अपने मन में निर्णय लीजिए क्योंकि निर्णय आपके हाथ में है और अभी एक पल का डिसीजन, एक क्षण का डिसीजन आपको प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के लिए तैयार कर सकता है। देखिए अब बहुतों के मन में यह आ रहा होगा कि हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये जीवित वचन दिया है, आज संसार में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में जानने के लिए ये बाइबल के अलावा और हमारे पास कुछ नहीं। पूरे संसार परमेश्वर के बारे में जानने के लिए इस वचन के द्वारा, वचन के अलावा किसी और माध्यम से नहीं जान सकता। जब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अभी दिसंबर के महीने में आप सब जानते हैं मेरे दादा बाइबल रखते हैं जिसमें नए नियम को फ्री बांटते हैं और पुराने नियम को पैसे में बांटते हैं। अभी दिसंबर के समय में एक अन्य जाति व्यक्ति मेरे दादा के पास आया दुकान में, बोला अंकल बोला बाइबल दे। दादा उसको तीन चार बाइबल दिए, बोले कि तुम पढ़ना गांव में अपने आजू बाजू वाले को, जो पढ़ेंगे उनको देना। उसी दिन वो व्यक्ति फिर अपनी मिसिस के साथ आया और उसकी मिसिस आकर के बोली अंकल मोला भी बाइबल दे। तो दादा उसको नया नियम ला करके दिए तो बोली ये वाले नहीं अंकल मोटा वाले दे। तो दादा बोले कि उसको आप मत पढ़िए वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बोली नहीं अंकल मैं पढ़ता हूँ। और अपने बैग में से वो पुराने नियम की बाइबल को निकाली, वो बाइबल पूरी मुड़ी हुई थी, उसका पन्ना फटा हुआ था, क्रश हो गई थी बाइबल। उस बाइबल को देख करके लग रहा था कि रोज वो बाइबल खोली जाती है। महिला बोली कि अंकल ये बाइबल अब फट गए है, खोला नहीं बना है, एक घर पर नवा लेवा था। तो दादा बोले कि ये वाली जो मोटी बाइबल है पैसे में आती है। तो बोले बिल्कुल ले अंकल, मैं पैसा मत खरीदा हूँ बाइबल ला। अन्य जाति लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ करके परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, इस वचन का महत्व समझ रहे हैं। वो महिला जान गई कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है और वो बाइबल के माध्यम से वो पैसा देने के लिए तैयार हो गई। आज लोग कपड़ा लत्ता सूट सलवार खरीद लेते हैं पैसा में, पर ये 200-300 की बाइबल को खरीदने में कम करना अरे नहीं है तो भाई ये नहीं लेवल, ऐसे करके नहीं लेते।